नमस्कार, जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं खबर की ओर। मध्य प्रदेश में अवैध शराब पर सख्त कानून लागू, मानसून सत्र में विधेयक पेश करेगी सरकार। शराब के अवैध कारोबार पर कड़ी सजा का प्रस्ताव, कल कैबिनेट में हो सकता है अंतिम फैसला। मध्य प्रदेश में भी शराब पर सख्त पाबंदी लगाने की तैयारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में अवैध शराब व्यापार के खिलाफ कड़ा कानून बनाया जाएगा। इसके लिए सरकार विधानसभा के मानसून सत्र में विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है। इसका ड्राफ्ट मंगलवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में चर्चा के लिए रखा जा सकता है, जिसमें शराब के अवैध कारोबार करने पर कड़ी सजा का प्रस्ताव है। यह संकेत सोमवार को मुख्यमंत्री ने दिए। शिवराज सिंह ने सोमवार को मंत्रालय में मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था एवं आपदा प्रबंधन को लेकर महत्वपूर्ण बैठक की। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में अवैध शराब का धंधा करने वाले अपराधियों के लिए कठोरतम कानून लागू किया जाएगा। साथ ही सरकार दूसरे राज्यों से आ रही अवैध शराब की रोकथाम के लिए संबंधित राज्यों से बात करेगी। मंत्रालय सूत्रों का कहना है कि पिछले 15 महीने में प्रदेश में जहरीली शराब से 53 लोगों की मौत हो चुकी है। मंदसौर में 23 जुलाई को जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने अवैध शराब के कारोबार पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए। इसके बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि दूसरे राज्यों से मध्य प्रदेश लाई जा रही अवैध शराब को रोकने के लिए सख्त कानून बनाया जाएगा। पहुंचाते रहे खबरें हम आपको, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।